24 घंटे में दो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। विपिन चौबे आप लेकर आए इंटरव्यू, जय श्री राम बोलने पर मार दिया गया, यह क्या मजाक है? बहुत ज्यादा हैरान करने वाला खुलासा है निशांत ये कि भारत में क्या अपने धर्म के जो भगवान है उनका नाम लेना इतना गुनाह है? क्या किसी पार्टी का झंडा उठाना गुनाह है? क्या किसी पार्टी का प्रचार करना गुनाह है? क्या किसी पार्टी के रैली में जाना गुनाह है? अगर ऐसा है तो ये बहुत चौंकाने वाला और बहुत शर्मनाक है। लोकतांत्रिक देश में क्या ऐसा हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज जब हम पूर्वी वर्धमान के इस इलाके में मौजूद है जहां सुखदेव प्रमाणिक जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता रहते थे, उनको महज इसलिए मार दिया जाता है जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जय श्री राम बोला था, वो बीजेपी का झंडा उठाते हैं, वो बीजेपी का प्रचार कर रहे थे और वो बीजेपी की रैली में गए थे, इसलिए उनकी लाश बरामद होती है और कहा जाता है वो डूब कर मर गए। जबकि वो जिस समूह से आते हैं वो मछुआरा समूह है, वो मछली पकड़ना उनका काम है, बचपन से वो तालाब में खेले हैं। वो शख्स इतने पानी में, सीने तक पानी में कैसे डूब कर मर सकता है, ये बड़ा सवाल है। और जब हम इस मामले को लेकर पुलिस के पास गए, हमने कहा कि क्या ये मामला आपके पास आया है कि किसी शख्स को इसलिए मार दिया गया किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो आरोप लग रहे हैं क्योंकि उसने जय श्री राम कहा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा आया है लेकिन हम ना नकारते हैं और ना स्वीकार करते हैं। मामला दर्ज हुआ कि नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते। पुलिस ने काम किया कि नहीं किया? पुलिस ने कुछ काम किया कि नहीं किया? देखिए, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि पंचायत चुनाव में इसी जगह पर बीजेपी और तृणमूल के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके थे। विपिन चौबे, हिंसा हुई थी। विपिन चौबे, मैं बंगाल में रिपोर्टिंग कर चुका हूं, मैं जाऊंगा, आप थोड़ा सेफ रहे वहां पर। जी जी, आप थोड़ा सेफ रहे वहां पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।